किसान भाइयों देखिए यहाँ भी करेला बोया हुआ है, और आप इनका गन्ना देखिए फार्म। अरे बाप रे, क्या सुंदर गन्ना खड़ा है। हमारे गांव में तो ऐसा किसी किसान के पास भी नहीं है। दरअसल ये लोग आलू की खेती करते हैं, और आलू के बाद गन्ना, और गन्ने के बाद फिर आलू। कई बार तो यहाँ के किसान पौधा ही जोत देते हैं, पौधा काटा जोत दिया और सब्जी का काम करते हैं। ये काफ़ी बड़ा खेत है करेले का। देखिए किस तरह से इन्होंने फिटिंग किया है। ये पहले तो बांस साइड में लगाए जाते हैं सपोर्ट के लिए, फिर सीधी बाड़ लगाई जाती है, और डोली पे बोया हुआ है। पानी जब देंगे तो गलेगा नहीं है। अच्छा, कुछ किसान तो भरे में बोते हैं, भरा निकालते हैं। इन्होंने भरा नहीं निकाला, मेड़ पर करेला बोया है, और बीच में इनका पानी आएगा। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। आजकल लॉकडाउन की वजह से मंडियों में कोरोना फैला हुआ है। ये भी आपकी है सब्जी? अच्छा, कुछ किसान बो में भरा बना के, आपने भरा नहीं बनाया? भरा क्या नहीं, फिर इसमें भी भरे भरे हो जाएंगे फिर। अच्छा, तो जब बीच में पानी दो, बीच में पानी दोगे तो ये तो घास ज़्यादा हो जाएगी, नहीं होगा? अच्छा, एक छोड़ दो। तो तुमने कदक बोए थे किस, कौन से समय बोया था? फरवरी लास्ट में, फरवरी के लास्ट में प्योद लाए थे बीच चौपा। और ये क्या भी गए हो? इसमें खर्चा कितना आ गया इसका अब तक जी? बांस बल्लियों का, बांस बल्लियों को आ गया जी इसमें लगभग 20,000 रुपए का तो आ गया बांस बल्लियों का जी। अच्छा, 20,000। हाँ जी, लगाने वाले लेके जी इसमें 700 रुपये के, 700 रुपये बीघा। हाँ जी, और करेला उतरने लगा नहीं अभी? करेला हाँ जी थोड़ा थोड़ा उतर रहा है। तो कब तक चलेगा ये? है जी, कब तक चलेगा? अभी तो कई महीने चलेगा जी, अब तो अभी तो थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, स्टार्टिंग है ना अभी। अच्छा, इसमें स्प्रे करना पड़ता है, कीड़ा लग जाए इसमें? ज़्यादा करना पड़ेगा जी, लग जाए कीड़ा इसमें। वैसे कुल मिला के जैसे तुम अब कभी बोया, पहले बोया कभी? नहीं, हमने पहली बार बोया जी। तो पहली बार पता लगेगा लास्ट में कब तक क्या औसत आएगा। अंदर बढ़ रहे हैं आप, उनसे कर लो, मित्र लग रहे हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी है। अच्छा अच्छा, तोड़ कर रहे हैं ना। अच्छा, अंदर को अंदर हैं? हाँ जी, हाँ जी भाइयों, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। वहाँ तोड़ चल रही है इसकी, ये देखिए ऊपर जाल फैला हुआ है, ये देखिए दोस्तों। जो किसान गन्ने से उग गया हो वो सब्जी का काम करें, एक तो नगद पैसा। अब देखिए धड़ी भर भी चली गई तो पैसे आ गई घर में, ये घिया भी दे रखा। सबसे अच्छी बात है, जैसे कोरोना का डर है, मंडी में जाना बंद हो गया, तो एक साइकिल ले लो या चार पहियों की रिक्शा, ढाटा सा मार कर। ढाटा तो ये अपना आप ही लगा रहे लोग, बाग मास्क का पहचान भी नहीं पड़ती कौन आदमी जा रहा है, फिर शर्म भी लगने की, और अपना मार्केट में बेच सकते हो।